माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आओ फटाक से एकदम। कन्वेयर बेल्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है बाबू, ये क्या करता है? ये पूरी माइंस संभालता है। सोचो, पूरी माइंस का जो कोयला है उठा के ले जाके पूरा आपका बाहर फेंक देगा। इतनी तगड़ी चीज है। अब इस तगड़ी चीज के बारे में ना जाना तो फिर क्या ही फायदा माइनिंग इंजीनियर बनने का, क्यों? सही कहा ना। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कन्वेयर बेल्ट में। आपका कन्वेयर बेल्ट में क्या लगे होते हैं? पुली लगी होती है दो ठो, ये दो ठो पुली हो गई, ठीक है, जो कि कन्वेयर बेल्ट को घुमाने का काम करती हैं। दो पुली जो कि कन्वेयर बेल्ट को घुमाने का काम करती हैं। ये जो पुली जिसमें कि मोटर लगा होता है, जिस पुली में मोटर लगा होता है ताकि पुली घूमे, और पुली के घूमने के कारण आपका बेल्ट घूमे, ठीक है, बेल्ट को रोटेट कर पाए, उस पुली को बोलते हैं हेड ड्राइव पुली, या फिर ड्राइविंग पुली कहा जाता है, या फिर ड्राइविंग पुली कहा जाता है। वाह। अगला है टेल पुली। अब ये टेल पुली जहां पर आपका मतलब दूसरा जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं, जिसमें कि मोटर नहीं लगा होता है, इसको हम बोलते हैं टेल पुली, या फिर रिटर्न पुली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको रिटर्न पुली बोल दिया। अब इसमें जो बेल्ट यूज होता है वो कैसा बेल्ट यूज होता है, अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, ठीक है, तो लिख लीजिए। क्वेश्चन भी लिखवाते जाऊंगा ताकि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में हिंदी वाले अपने खुद से लिख लें, ठीक है, विच टाइप ऑफ बेल्ट, अबे नहीं बे, टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में किस टाइप का बेल्ट यूज होता है? तो इसका आंसर होगा आपका एंडलेस बेल्ट। एंडलेस बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में कौन से बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है? कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में कौन से बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। इन विच टाइप ऑफ पुली मोटर इज अटैच्ड इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम? कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में किस पुली में मोटर अटैच रहता है? किस पुली से मोटर जुड़ा रहता है? कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में किस पुली से मोटर जुड़ा रहता है? तो इसका आंसर लिख लीजिए, किस पुली से, बताओ फटाक से, कौन सी पुली में बोला हूं, जल्दी जल्दी क्विक। आपका ड्राइविंग, वेरी गुड, ड्राइविंग पुली, या फिर आपका एंड हेड पुली। हेड पुली, ठीक है, ड्राइविंग पुली एंड हेड पुली, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने जान ली भाई, ड्राइविंग पुली, हेड पुली, ये सब ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि और भी क्या होता है, ठीक है, और भी कुछ चीजें होती हैं। अब कन्वेयर बेल्ट में ये तो लग गया कन्वेयर बेल्ट, है ना, बेल्ट लग गया सीधे सीधे। कौन सा बेल्ट लगा? एंडलेस बेल्ट हमने लगा दिया, ठीक है, एंडलेस बेल्ट हमने यहां पे लगा दिया। दूसरा आपका क्या लगा रहता है? आइडलर्स। क्या लगा रहता है? आइडलर्स। अब आइडलर्स क्या क्या होते हैं? आपका ट्रफिंग आइडलर होता है, रिटर्न आइडलर होता है, ठीक है, और पुली भी लगी होती हैं, जैसे कि स्नब पुली हो गया, ये आपका स्नब पुली है, ठीक है, ये स्नब पुली, ये आपका टेक अप बेंड पुली, और ये है आपका टेक अप पुली, ठीक है, और ये दूसरा आपका टेक अप बेंड पुली हो गया, ठीक है।
तो सभी का अपना अपना यूज है। और क्या पार्ट्स हैं आपका? सेकेंडरी बेल्ट क्लीनर एंड प्राइमरी बेल्ट क्लीनर बेल्ट को साफ रखने में मदद करते हैं। भाई कोयला कोल डस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, बेल्ट को गंदा कर देता है। बेल्ट गंदा हो जाएगा तो आपका बेल्ट जाम हो सकता है। तो बेल्ट को साफ सुथरा रखने के लिए बेल्ट क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। बेल्ट क्लीनर दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी बेल्ट क्लीनर और एक होता है सेकेंडरी बेल्ट क्लीनर। ठीक है, तो इतनी बातें तो जरूर ध्यान में रखें। क्लियर है यहां तक? आइडला अभी हम सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये पार्ट्स थोड़ा क्लियर है ना कि कौन सा चीज कहां पर होता है और क्या होता है? वही है, वही है, वही चीज, सेम चीज है। आपका बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में किन किन चीजों, कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो लिख लीजिए बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ बेल्ट कन्वेयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले नंबर वन, फ्लैट, एंडलेस, एंडलेस बेल्ट होता है, फ्लैट एंडलेस बेल्ट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? कंटिन्यूअसली ट्रेवल, लगातार चलते रहना। कंटिन्यूअसली ट्रेवल, लगातार चलते रहना। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसका? जल्दी से बताएं फटाक से। ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लगा रहता है? आइडलर। आइडलर का काम क्या होता है? टू सपोर्ट बेल्ट, बेल्ट को सपोर्ट देना, सपोर्ट देना। उसके बाद क्या होता है? तीसरा पॉइंट, चैनल, या फिर चैनल आयरन बोल देगा, या फिर एंगल आयरन बोल देगा, चैनल या फिर एंगल आयरन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ चैनल भी बोलता है, समझ जाना। आइडलर इसके ऊपर, इसके ऊपर माउंटेड होता है। ठीक है, आइडलर इसके ऊपर माउंटेड होता है। आइडलर बेसिकली किस चीज पे लगा होता है? आइडलर किस चीज पे लगा होता है? उस चीज को क्या बोलते हैं? वो जो शेप होता है उसका, ब्रैकेट। ठीक है, चौथी चीज आपका लूप, टेकअप, अरेंजमेंट। लूप, टेकअप, अरेंजमेंट। अभी लूप, लूप टेकअप अरेंजमेंट का काम क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट को, कन्वेयर बेल्ट में टेंशन प्रोवाइड कराना। चिंता की बात हो जाती है भाई कन्वेयर बेल्ट के लिए, तो कन्वेयर बेल्ट को में टेंशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये किसका काम होता है? लूप टेकअप अरेंजमेंट का होता है। पांचवी चीज क्या होती है? ड्रम्स, ड्रम्स, ड्रम्स की लोकेशन क्या है? एट डिस्चार्ज एंड, एट डिस्चार्ज एंड। ठीक है,
जहां पर कन्वेयर बेल्ट अनलोडिंग करेगा और दूसरा होता है एट लोडिंग एंड। लोडिंग एंड ठीक है। बेसिकली कन्वेयर बेल्ट इसके ऊपर घूमता है, इसके ऊपर घूमता है। तो लिख देता हूं, रोटेट होता है, घूमता है, कौन लिखे, रोटेट होता है। क्लियर है यहां तक? देखो कितनी सारी चीजें हम कवरअप कर चुके हैं। तो कन्वेयर बेल्ट के बारे में एक आपका किस चीज से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वेयर बेल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वेयर बेल्ट, है ना? कन्वेयर बेल्ट का निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है? छठवा, ड्राइविंग हेड, ड्राइविंग हेड, ड्राइविंग हेड, ड्राइविंग हेड में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसको चलो नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं स्लाइड में। सब देखेंगे, टेंशन ना लो जी, हम बैठे हैं ना, अभी तो कन्वेयर बेल्ट का पहला लेक्चर है। आज हम कन्वेयर बेल्ट दिन भर में जितने लेक्चर हो सकेंगे कन्वेयर बेल्ट में खत्म कर दूंगा, एक या दो लेक्चर में। ये एक लेक्चर हो जाएगा, आधे एक घंटे बाद दूसरा लेक्चर लेके कन्वेयर बेल्ट को खत्म कर देंगे अपन, ठीक है? ये टॉपिक खत्म करके इसके एमसीक्यूज जो है तो प्रिपेयर करके, एमसीक्यूज भी देख के आज मार्क्स मन लाख पढ़ेंगे अपन। कोई रोक नहीं सकता हमें एग्जाम क्रैक करने से, क्यों जी? तो यहां से जितने भी एमसीक्यू बन जाएंगे, चाहे आपका क्या बोलो डीजे देशमुख, चाहे जो बोलो, एमसीक्यू कवर अप हो जाएंगे, ठीक है? चलो मैं अभी सारे पार्ट्स के नाम लिखाऊंगा, कौन सा पार्ट क्या हो, कहां होता है, ठीक है? अब आता है क्या था, ड्राइविंग हेड, छठवा जो पॉइंट है, ड्राइविंग हेड। अब ड्राइविंग हेड के भी में बहुत सारी चीजें होती हैं। ड्राइविंग हेड में क्या होता है, ड्राइविंग हेड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है? और क्या है ड्राइविंग हेड में आपका, कपलिंग, कपलिंग। और क्या है आपका ड्राइविंग हेड में, गियरिंग, ठीक है, गियरिंग, गियर्स लगे रहते हैं, और स्नब पुली, स्नब पुली इसका बहुत ही मेजर रोल है। स्नब पुली, स्नब पुली का मेन काम क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा भाई साहब, सर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि स्नब पुली का काम क्या है बाबू? तो स्नब पुली का काम क्या है, इंक्रीजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्रम में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने का, कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ाने का, ठीक है, काम करता है कौन, स्नब पुली करता है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए आपका ये देखिए एक बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है, सिंप्लीफाइड डायग्राम है बेल्ट कन्वेयर का। अब ये बेल्ट कन्वेयर में आपका यहां पर फीड पॉइंट हो गया, ये क्या है आपका फीड पॉइंट, जहां पर एलएचडी वगैरह आके क्या करेंगे, मटेरियल डालेंगे, ठीक है, जहां पर एलएचडी वगैरह आके क्या करते हैं, मटेरियल डालते हैं, फीड पॉइंट हो गया। और ये हो गया आपका डिस्चार्ज पॉइंट, है ना, ये लोडिंग पॉइंट और ये डिस्चार्ज पॉइंट, दोनों ही पॉइंट में एक एक ड्रम लगा दिए। अब बेल्ट कन्वेयर तो एंडलेस है, लेकिन बेल्ट कन्वेयर को एकदम टाइट रखना है, एंडलेस सॉरी टेंशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है, टेंशन प्रोवाइड कराना है। तो बेल्ट कन्वेयर में टेंशन प्रोवाइड कराने के लिए क्या लगाते हो, टेक अप पुली, टेक अप पुली। अब टेक अप पुली क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा,
नीचे की तरफ खींच के बेल्ट को इसमें अच्छे से टाइट रखेगा। अब मान लीजिए ये आपका बेल्ट कन्वेयर, सॉरी नन ऑफ दी अबाउ, अच्छा ये देखिए ये एक बेल्ट कन्वेयर। अब ये बेल्ट कन्वेयर में मान लीजिए मैंने ये लगाया दो ठो पुली। अब आप कहो कि सर ये दो ठो पुली लगाए ही क्यों, हम काहे ना पैसा बचा ले। मैं बोलूंगा बाबू पुली लगाएगा तो आपका बेल्ट कन्वेयर ऐसा ना हो जाएगा, ठीक है? तो पहली चीज तो ये कांटेक्ट घटेगा, इसमें अच्छा खासा कांटेक्ट नहीं आ पाएगा, एक ये दिक्कत है। दूसरा चीज कि आपका ये बेंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब कि बेंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उतना अच्छा टाइटनेस या टेंशनिंग नहीं प्रोवाइड करा पाता है, ठीक है? इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा खासा सपोर्ट देने के लिए क्या प्रोवाइड करा देते हैं, बेंडिंग के लिए दो ठो पुली और लगा देते हैं, टेक अप बेंड पुली। क्या बोलते हैं इनको, टेक अप बेंड पुली, टेक अप बेंड पुली, पुल्ली, टेक अप बेंड पुल्ली, ठीक है? क्लियर है? आखिर हमने टेक अप बेंड पुल्ली क्यों प्रोवाइड कराया, टेक अप बेंड पुल्ली क्यों प्रोवाइड कराया बाबू? चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, दो और चीजें हैं, शूट। अब देखिए आप भी जान रहे हो, एक चीज आप भी जान रहे हो कि यार अगर मैं यहां पर अब देखिए टेकअप बेंड पुली का काम क्या है, पहला टेकअप बेंड पुली का काम क्या है, टेकअप पुली में, अरे अलग से लिख देता हूं यार, टेकअप बेंड पुली के बारे में, टेकअप बेंड पुली, ठीक है? तो टेकअप पुली में, टेकअप पुली में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाना, अमित बढ़ाना बढ़ाना। दूसरा काम क्या होता है, टू इंक्रीज टेंशनिंग, टेंशनिंग को बढ़ाने में मदद करता है, टेंशनिंगा, टेंशनिंग, टेंशनिंग बढ़ाने का काम करता है। लिख लीजिए फटाक से। अब बात करते हैं स्नब पुली के बारे में, ठीक है? हाँ पहले शूट दिखा देता हूं। अब देखिए आप क्या, मैं क्या कह रहा था यार, बुला देते हो। ये देखिए अब ये आपका मान लीजिए लोडिंग पॉइंट है, ये आपका लोडिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये लोडिंग पॉइंट है। अब लोडिंग पॉइंट पे जब कोयला तड़तड़ा के गिरेगा, कोयला तड़तड़ा के जब गिरा तो क्या हुआ, क्या बेल्ट को डैमेज हो सकता है? बिल्कुल, बोलेंगे हाँ यार डैमेज तो हो जाएगा बेल्ट भाई। कोई भी बड़ा सा पत्थर बेल्ट के ऊपर फेंको, जो कमर में आपके बेल्ट बंधा रहता है उस बेल्ट के ऊपर भी पत्थर से अगर कूटोगे दिन भर बैठ के तो क्या होगा, 24 घंटा बैठ के कूटोगे तो क्या होगा, एक समय बाद तो वो टूटेगा ना, है ना? एक दिन भर क्या, कुछ ही देर में टूट जाएगा। तो वो चीज ना होने पर बेसिकली बेल्ट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। बेल्ट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। एक तो कन्वेयर बेल्ट डैमेज होगा, उसके साथ ही क्या और चीज क्या डैमेज होगी, और चीज क्या डैमेज होती है, ठीक है? कन्वेयर बेल्ट तो लगातार घूमता रहेगा, तो एक ही जगह पे तो नहीं पड़ रहा है बार बार, कन्वेयर बेल्ट घूम रहा है तो
तो कन्वेयर बेल्ट तो कुछ हद तक बच जाता है। दूसरा किस पे इंपैक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा? आइडलर पे, आइडलर पे, मोटर पे, इन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है अगर मैं नॉर्मल आइडलर यूज करूं, ठीक है, ड्रम पे, ठीक है, ड्रम पे भी आप कह सकते हो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसको बचाने के लिए मैंने क्या लगाया? इंपैक्ट आइडलर लगाया। क्या लगाया? इंपैक्ट आइडलर लगाया, जो कि इस चीज को झेलने का काम करता है। तो इंपैक्ट आइडलर का काम क्या है, कहां पे लगाया जाता है? अब बताइए इंपैक्ट आइडलर कहां पर लगाया जाता है, लोकेशन ऑफ इंपैक्ट आइडलर। आठवा, इंपैक्ट आइडलर, इंपैक्ट आइडलर कहां लगा दें? कॉमन सेंस लगा के एकदम तुरंत बताओ। एक तो ओवर शूट, वेरी गुड, ओवर शूट, लोडिंग पॉइंट, वेरी गुड, लोडिंग पॉइंट, फीडिंग पॉइंट, कुछ भी बोल लो। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। लोड शूट, कुछ भी बोल दे, इनमें से कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, इन सभी लोकेशंस पर इंपैक्ट आइडलर लगा रहता है। लोड शूट, ठीक है, इन सभी लोकेशंस पे इंपैक्ट आइडलर लगा रहता है, इन सभी लोकेशंस पर इंपैक्ट आइडलर लगा होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा यहां से, ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े फटाक से। और अच्छा, टेकअप पुली, टेकअप पुली लिखे हैं कहीं, लूप टेकअप अरेंजमेंट टेंशन प्रोवाइड कराता है। लूप टेकअप अरेंजमेंट और क्या प्रोवाइड कराता है? एक सेकंड मैं लिख दूं थोड़ा। लूप टेकअप अरेंजमेंट और क्या चीज देता है? नहीं लिख पाया, चलो लिख लो इसको, फिर देखते हैं। लूप टेकअप अरेंजमेंट कहीं लिखवा देता हूं मैं। एक चीज और करता है, ये एक्स्ट्रा बेल्ट प्रोवाइड कराता है। भाई बेल्ट को लगातार बढ़ाते रहना है ना, आप भी जान रहे हो बेल्ट को बढ़ाना है। वेरी गुड, एक्सटेंशन ऑफ बेल्ट में हेल्प करता है। अरे कितना कुछ जानते हो यार, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों विश्वजीत इतना सारा पढ़े हो, जानते हो। हो गया, लिखा है, हाँ, टेकअप पुली लिख लो, यहीं पे लिख लो। टेकअप पुली का काम क्या है? टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेल्ट, एक्स्ट्रा बेल्ट, एक्स्ट्रा बेल्ट प्रोवाइड कराना। अब ये देखिए, ये आपका टेकअप पुली, ये क्या होगा, जब आपको बेल्ट को इधर आगे बढ़ाना होगा, मान लीजिए ये मेरा लोडिंग पॉइंट, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये बेल्ट को यहां से हटा के मुझे यहां लगाना है। अब एक्स्ट्रा बेल्ट कहां से आएगा? जब मैं इस पुली को उठा के यहां पे ऊपर कर दूंगा, यहां पे कहीं लगा दूंगा ऊपर, तब मेरे को एक्स्ट्रा बेल्ट मिल जाएगा। अब बेल्ट यहीं से घूम के चला जाएगा, ठीक है, तो बेल्ट की ये जो लंबाई थी अभी तक यहां थी, यहां तक थी दोनों एंड में लंबाई, अब किस एंड में पहुंच गई है? अब लंबाई सिर्फ इतनी सी रह गई है, थोड़ी सी ही रह गई है। तो ये लंबाई जो घट गई है, ये कहां पे यूज्ड अप हो जाएगी? यहां पे यूज्ड अप हो जाएगी, और आपका कन्वेयर बेल्ट का एक्सटेंशन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये मदद करते हैं इसमें, ठीक है। अब चलिए लिख लीजिए स्नप पुली के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्नप पुली। स्नब पुली, स्नब पुली, स्नब पुली क्या है, क्या काम करता है? अभी हमने देखा, सुना, बताया, एक दो लोगों ने भी अच्छा आंसर दिया है। क्या बाबा ये क्या करता है? सबसे पहली पॉइंट तो क्या है, ड्राइविंग पुली में,
ड्राइविंग पुली में, पुली में एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करता है। ठीक है, लिख लो फटाक से। ड्राइविंग पुली में एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करता है। अब ये दूसरा काम क्या करता है, नंबर टू, बेल्ट के पुल फोर्स को, पुल फोर्स को खींचने वाला फोर्स, बेल्ट के पुल फोर्स को कम करता है, कम करता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए बाबू, अब ये बेल्ट का पुल फोर्स क्या है, क्या समझ में आता? देखो, अब आपका एक बेल्ट यहां, एक ड्रम यहां, एक ड्रम यहां। अब ये अगर मुझे अच्छे से कांटेक्ट मेंटेन करके रखवाना है, अच्छे से कांटेक्ट मेंटेन करके रखवाना है, तो मतलब कि मेरा ये वाला ड्रम इसको इधर खींचे बेल्ट को, और ये वाला ड्रम बेल्ट को इधर खींचे, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से खींच के रखे। दिस इज कॉल्ड पुल फोर्स। ठीक है, बेल्ट को जो ड्रम दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो खींच रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, पुल फोर्स। अब ये जो पुल फोर्स है, बेसिकली आप ज्यादा नहीं रख सकते हो बेल्ट को, भाई कहीं ना कहीं तो फिसल भी जाएगा, आपका बेल्ट टूटने का भी चांस बन जाता है। तो इसके लिए मैं क्या लगा दूं, यहां पे एक स्नब पुली लगा दूं जो कि इसको यहां पे ऑटोमेटिकली टाइट रख देगा। दोनों जो ड्राइविंग पुलीज हैं, उन ड्राइविंग पुली के साइड में, नीचे साइड स्नब पुली लगा दूं। अब चलिए स्नब पुली की फोटो दिखा दूं, तो उसके दर्शन करके आपको अच्छा लगेगा। ये मिटाओ यार, मिटो भाई साहब, तुम अच्छा नहीं लगता ना, चीजें ऐसे रहे बिखरी बिखरी। कहाँ हो स्नब पुली, कितने गई, आओ कभी हवेली पे। एक सेकंड बाबू, स्नप पुली कहाँ गया, स्नप पुली, स्नप पुली नहीं आया क्या? ये रहा, ये रहा, ये रहा। नहीं, ये देखिए स्नब पुली, ये पुली देख पा रहे हैं, ये पुली लगा हुआ है, ये आपका ड्राइविंग पुली। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पे देखिए कितना बढ़िया से टाइट कर दे रहा है ये। ठीक है, स्नब पुली समझ में आया कैसे काम करता है, कैसे टाइटनेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्नब पुली के बारे में थोड़ी सी और चीजें लिख लीजिए कि ये, अब देखिए ध्यान से सुनो, पुल फोर्स क्या था, पुल फोर्स। अब मेरा पुल फोर्स घटेगा, ठीक है, अब मुझे ज्यादा पुल फोर्स नहीं प्रोवाइड कराना। पुल फोर्स मैंने बताया ना अभी कि ये दो ठो ड्रम, ड्राइविंग पुलीज, और दोनों ड्राइविंग पुलीज में अगर बेल्ट को टाइट रखना है बिना स्नब पुली के, तो मैं दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगा, जिसको मैंने बोला पुल फोर्स। ठीक है,
अब अगर पुल फोर्स लगाता हूं तो मुझे क्या चाहिए, बेल्ट कैसा होना चाहिए मेरा? अच्छा खासा मजबूत बेल्ट होना चाहिए, अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला बेल्ट होना चाहिए। तो ये पुल अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली बेल्ट को प्रोवाइड करने से बेटर है स्नब पुली लगा दो, ठीक है? अब स्नब पुली, अब बेल्ट तो बहुत लंबा होता है ना जियाल, लेकिन पुली अगर आप एक लगा दिए स्नब पुली तो आपको उतना लंबा बेल्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। तो स्नब पुली का और क्या काम होता है? बेल्ट के टेंशन को रिड्यूस करता है, बेल्ट में ज्यादा टेंशनिंग नहीं होने देगा, बेल्ट के टेंशन को कम करता है। टेंशन मतलब खिंचाव, खींचाव, खिंचाव, खिंचाव हो गया, लेकिन ठीक है समझ जाओ। टेंशन को कम करता है, कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा, चौथा पॉइंट क्या है भाई? कम स्ट्रेंथ वाले बेल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इतना चार पॉइंट तो याद रखना है, इतना पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। ओ रोहन, नहीं समझे? देखो, अगर बेल्ट को आपको टाइट रखना है, मैंने पुल फोर्स समझा है ना, तो बेल्ट को आपको बहुत ज्यादा मतलब टेंशन, बेल्ट पे जो टेंशन आ रहा है, बेल्ट पे जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो पुल फोर्स के केस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा हो रखना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। लेकिन अगर स्नब पुली लगा दोगे आप, तो क्या आप अपने दोनों ड्रम में की मदद से या दोनों ड्रम की दूरी को ज्यादा बढ़ाकर बेल्ट में टेंशन प्रोवाइड करोगे? नहीं, नहीं करोगे ना। तब तो जितना आपको हल्का सा टाइट बस कर दोगे हो गया। ये नहीं करोगे कि पूरी ताकत से आप जो है तो दोनों एंड को दूर करो, आप हल्का सा बस टाइट कर दोगे दोनों में। यहां पर ये देखिए, ये जो दो एंड है इनमें बस हल्का सा टाइट कर दोगे कि ढीला ना हो, बस इतना ही काम करोगे कि ढीला ना होने पाए बस। बाकी आप पूरी ताकत से नहीं खींचोगे, है ना, कि खींचो एकदम पूरी ताकत से ताकि बेल्ट एकदम टाइट रहे, बेल्ट पे ज्यादा जोर नहीं डालोगे आप। समझ रहे हो बात को? क्या आखिर यहां पे स्नैप पुली कर क्या रहा है? टेंशन, बेल्ट का टेंशन कैसे रिड्यूस कर रहा है? जहां ना समझ में आए बता देना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजें याद रहेंगी। ये सब ना रटने वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें भाई। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया, पुल फोर्स। अब एक स्नब पुली लगा दोगे तो क्या क्या कर देगा? मैंने जैसे कि समझाया, पुल फोर्स मतलब दोनों ड्रम खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो नहीं करोगे आप, है ना, पुल फोर्स घट गया। बेल्ट में जो पुल फोर्स के कारण टेंशन हो रहा था, खिंचाव हो रहा था ज्यादा, उस टेंशन को अब नहीं, अब बस आप हल्का सा टाइट करके छोड़ दोगे स्नब पुली नीचे लगा के। तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि कम ताकत वाला, कम मजबूत वाला आप बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कहीं भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। अब बात करते हैं आइडलर्स की। आइडलर्स, चलो एक बार थोड़ा अपन देख लें, कन्वेयर बेल्ट के पीवीआर चला लें तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। रु 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 रु
थोड़ा मेरे गले को भी आराम मिले। कन्वेयर सिस्टम, सिस्टम कौन सा अच्छा वीडियो है जी? ये ये आपका कन्वेयर बेल्ट, पुली के ऊपर ये इस प्रकार से आपका कन्वेयर बेल्ट। चलता रहता है ये, देखिए ड्राइविंग पुली वगैरह आपके। ये कन्वेयर बेल्ट ना अभी एकदम सीधा है, अभी हम देखेंगे कि कन्वेयर बेल्ट में बेंड कैसे प्रोवाइड कराते हैं। ये आपका बॉटम रिटर्न आइडलर, ये आपका स्नप पुली। ये देख पा रहे हैं, ये आपका रिटर्न आइडलर, ये जो हिस्सा है ये एकदम सीधा होता है, आइडलर ही है लेकिन रिटर्न रिटर्न आइडलर है, ठीक है? ये उसके बाद आपका स्नप पुली, ये देखिए ये आपका स्नप पुली है जो कि बेल्ट का कांटेक्ट को बढ़ा रहा है। ये आपके स्क्रैपर्स, क्लीनर जिसे कहा जाता है, ठीक है? ये आपका गियर बॉक्स, एक पार्ट को ये चेक कर रहा है। तो कन्वेयर बेल्ट का अगर इंस्पेक्शन करोगे तो क्या क्या चीजें आपको इंस्पेक्शन में करनी पड़ेंगी? चलो अभी ये भाई साहब ना चलेंगे।
आगे देखते। अब आ रही है, हाँ अब तो आ रही है। अब आ रही है वॉइस। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब देखिए आइडलर भी आपका, आइडलर के मैं पार्ट्स गिना दूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आइडलर का। और ये जो सेल्फ अलाइन वाला है इसका भी कॉन्सेप्ट अपन अभी क्लियर करते हैं। ये आपका रिटर्न आइडलर, ये देखिए ये आपका रिटर्न आइडलर है। ये अलग अलग प्रकार के मैंने ऊपर आपको आइडलर्स बताए, उसके बाद ये आता है आपका रिटर्न आइडलर। रिटर्न आइडलर नीचे साइड में लगा होता है और ये फ्लैट होता है एकदम, किसी भी प्रकार का इसमें इंक्लिनेशन नहीं दिया रहता है। ये आइडलर्स देखिए, ये एक रिटर्न आइडलर है इनमें से, और दूसरा है आपका ट्रफ्ड आइडलर। कौन सा? ट्रफ्ड आइडलर। ये जो आइडलर आप देख पा रहे हो ये ट्रफ्ड आइडलर है, ठीक है। अब देखिए फिर से देख लेते हैं आइडलर्स। ये देखिए ये आपका फ्लैट आइडलर था जो कि एकदम फ्लैट रहता है। उसके बाद आता है ट्रफ्ड आइडलर जो कि कुछ इस प्रकार के शेप में होता है, जो आप का बेसिकली आप नॉर्मली देखते हो, ठीक है। उसके बाद आता है रिटर्न आइडलर, ये भी फ्लैट होता है। ये दो टाइप का आता है रिटर्न आइडलर, तीन टाइप का सॉरी। एक आपका हो जाता है रिटर्न आइडलर नॉर्मल जो कि एकदम सीधा होता है, एक आ जाता है वी रिटर्न आइडलर, और एक होता है सेल्फ अलाइनिंग रिटर्न आइडलर, ठीक है। और ट्रफ्ड आइडलर भी सेल्फ अलाइनिंग टाइप का भी आता है। उसके बाद आता है गार्लैंड आइडलर्स, इसको बोलते हैं गार्लैंड आइडलर्स, माला जैसा होता है, ठीक है। अब आइडलर, जैसा कि मैंने कहा कि आइडलर किस चीज के ऊपर माउंटेड होता है, ये देखिए रिटर्न आइडलर, ये आपका फ्लैट रिटर्न आइडलर, नीचे जो लगा होता है कन्वेयर बेल्ट के निचले हिस्से में, कन्वेयर बेल्ट के निचले हिस्से में कन्वेयर बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए आपका आइडलर, रिटर्न वाले बेल्ट में आइडलर लगा होता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका कौन सा आइडलर? ट्रफ्ड आइडलर, ट्रफ्ड आइडलर, ठीक है। अब आइडलर ये जो जिस चीज पे लगा हुआ है, ये तो रोलर्स हो गए, इसको क्या बोलते हैं? रोलर। क्या बोलते हैं? रोलर। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। इसके भी पार्ट्स हैं आइडलर के भी, ये पूरा एक आइडलर बनता है। अब यहां पे देखिए, अगर फ्लैट रोलर यूज कर लिया तो फ्लैट आइडलर हो गया, ठीक है। फ्लैट आइडलर, फ्लैट आइडलर। फ्लैट आइडलर हो गया। अब आइडलर में ये एक पॉइंट देख पा रहे हो क्या? ध्यान से देखिए ये हिस्सा आपको कुछ वैसा नहीं लग रहा है। अगर आपने देखा होगा शॉवेल, जो क्राउलर माउंटेड शॉवेल होता है, उसमें नीचे क्राउलर होता है, बीच में ऐसा छोटा सा गैप होता है, और फिर आपका पूरा शॉवेल होता है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है ये कुछ इसके जैसा नहीं दिख रहा है ना? दोनों में देखो। अब इसका फायदा क्या है? क्या फायदा बताइए कि भाई आपका जो आइडलर है ये हल्के से एंगल के साथ उधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है ना?
आइडलर आपका हल्का सा मतलब कि क्या कर सकते हो, अरे जैसे स्टेयरिंग घुमाते हो गाड़ी का ना, गाड़ी का हैंडल, सॉरी बाइक का जो हैंडल होता है, तो बाइक का हैंडल कभी इधर मोड़ देते हो कभी इधर मोड़ देते हो, तो ये दोनों तरफ से आप हाथ से पकड़ के क्या कर सकते हो, इसको इधर और इसको इधर, या फिर इसको इधर या और इसको इधर खींच सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टर्निंग्स में बड़ा ही कह सकते हो अच्छा साबित होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ अलाइनिंग आइडलर्स। क्या है ये? सेल्फ अलाइनिंग आइडलर्स, अलाइनमेंट प्रोवाइड कराना कन्वेयर बेल्ट में। तो लिख देता हूं तो याद रहेगा। कौन से आइडलर्स हैं? सेल्फ अलाइनिंग आइडलर्स, ठीक है। सेल्फ अलाइनिंग अलाइनिंग आइडलर्स, अब आइडलर का मेन काम क्या होता है ये भी देखेंगे। ये आपका रिटर्न आइडलर, रिटर्न आइडलर नीचे साइड में लगा हुआ है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये सपोर्ट कर रहा है बेल्ट को, ठीक। तो आइडलर्स, आइडलर्स, आइडलर्स का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड नंबर वन करेक्ट शेप, करेक्ट शेप, बेल्ट को सही शेप देना, ठीक है, बेल्ट को सही शेप देना। दूसरा सपोर्ट, तीसरा प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्ट करेगा भाई? किससे प्रोटेक्ट करेगा भाई? बेल्ट किसी भी चीज से घिस सकता है, बेल्ट किसी भी चीज से घिस सकता है या चैनल में घिस सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है उस चीज में होल्ड करके, ठीक है, होल्ड करके बेल्ट को उसको प्रोटेक्ट करता है। चौथा मोशन, वेरी गुड आदित्य, मोशन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। मतलब कि आपका, देखो अभी तक आपका कन्वेयर बेल्ट, अगर मैं आइडलर ना लगाऊं तो कन्वेयर बेल्ट एकदम तरतराते हुए इधर से ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी चीज में घिस जाए या अच्छे से मूव ना कर पाए, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे पैदल चल रहे हो, ठीक है, पैदल चल रहे हो, अब रोड पे जब आप पैदल चल रहे हो तो आपका फ्रिक्शन अच्छा खासा है, मोशन में रेजिस्टेंस ज्यादा है, फ्रिक्शन है, इसीलिए आराम से मूव कर पा रहे हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक छोटे छोटे कंचे फेंक दिए, छोटे छोटे कंचे फेंकने के कारण क्या होगा, आपका पैर पड़ेगा, आप फिसल के हवा में लटक जाओगे, ठीक है, हवा में लटक गए, तो ये आपके लिए एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक। तो अगर मैं कोई चीज, अब ये जो कंचे फेंके थे ये क्या है, ये है रोलर्स, ये छोटे छोटे रोलर्स का काम कर रहे हैं, रोलर के ऊपर फ्रीली मूव करता है, फ्रीली आपका क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट मूव करेगा। तो कन्वेयर बेल्ट को करेक्ट शेप देना, कन्वेयर बेल्ट को सपोर्ट करना, कन्वेयर बेल्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और साथ ही कन्वेयर बेल्ट को
मोशन रेजिस्टेंस रिड्यूस करना। ये सारी चीजें ऑफ कन्वेयर बेल्ट, सब कन्वेयर बेल्ट में होगा, ठीक है। तो मैंने आपको आइडलर्स के पार्ट्स लिखा दिए, ठीक है। आपका आइडलर का क्या यूज होता है ये प्रोवाइड किया करा दिया, और एक और काम होता है यार, लिख लो पांचवा, टू सपोर्ट ट्रांसपोर्ट फॉर सपोर्ट ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, टू सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट करने वाले मटेरियल को सपोर्ट करता है, ठीक है। ना 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 आपका जितेन, ये क्या पीछे फोटो दिखाया था ना, ये जो आप देख पा रहे हो ये देखिए, ये पूरा है ना, ये ब्रैकेट और रोलर को मिला के आपका बनता है आइडलर, ब्रैकेट और रोलर को मिला के बनता है आइडलर, ठीक है। अब रोलर एक आइडलर का एक पार्ट है, रोलर आइडलर का एक पार्ट है। अब जनरली देखो क्या होता है, फ्लैट होता है ना, माइंस में क्या होता है, ये फ्लैट होता है तो इसको रोलर बोल दिया जाता है, बट नहीं, ये एक आइडलर है, रिटर्न आइडलर। रोलर तो उसका एक पार्ट है, ब्रैकेट और रोलर को मिला के आइडलर बनता है। अब आती है बात टेकअप पुली की, छोटी सी बात है कि टेकअप पुली के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, टेकअप पुली टेकअप पुली जो है, तो ऐसा पुली होता है, पुली विच कैन बी मूव्ड टू कीप बेल्ट टाइट, बेल्ट को टाइट कर रखने के लिए इसको मूव, जिस पुली को हम मूव करते हैं उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेकअप पुली, ठीक है। अब टेकअप पुली किसे बना सकते हो, टेकअप पुली चाहे तो आप ड्राइव पुली भी हो सकता है, टेकअप पुली आपका ड्राइव पुली भी हो सकता है, या फिर आइडलर पुली भी हो सकता है। ड्राइव पुली मतलब मोटर लगा के भी कर सकते हो, आइडलर पुली मतलब कि भाई नॉर्मल सा एक आइडलर लगा दो बस हो गया, ठीक है, ये भी कर सकते हो टेकअप पुली में, या फिर आप ड्राइव पुली मतलब मोटर भी लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो मोटर लगाया तो ड्राइव, और नॉर्मल ऐसे ही लगा दिया रोलर तो आइडलर। आइडलर है क्या, एक नॉर्मल सा रोलर जिसमें मैंने किसी भी प्रकार का मोटर नहीं लगाया, आइडलर है क्या, बेसिक फंडा समझो यार आइडलर का। आइडलर किसे बोलोगे, एक रोलर जिसमें मैंने मोटर ना लगाया, ऐसी पुली को मैं आइडलर बोलूंगा। ऐसी पुली जिसमें मैंने मोटर लगा दिया, ठीक है, जो कि ड्राइविंग का काम करता है, जो कि पूरा
घुमाने का ही काम कर रहा है, उसको बोल दिया ड्राइव पुली या टेक अप पुली। बिल्कुल आइडलर रोलर प्रेस ब्रैकेट, कॉन्सेप्ट पकड़ो यार, कॉन्सेप्ट कंसेप्ट हुआ कंसेप्ट बा पकड़ो। अब कन्वेयर बेल्ट को ड्राइव कैसे करते हैं, ड्राइविंग चलाना है बोले को तो आ कन्वेयर बेल्ट, आ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट को चलाना है तो कन्वेयर बेल्ट कैसे चलता है, बाय फ्रिक्शन। अब कन्वेयर बेल्ट किसकी मदद से चलता है, फ्रिक्शन की मदद से चलता है। अब फ्रिक्शन किसके किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन ड्राइव पुली एंड कोटिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उस लेयर वो लेयर जब चिपक जाएगी, बोले तो सिंपल भाषा में आपको अगर कहूं कि मान लो आपके गाड़ी में आपका जो टायर होते हैं, ठीक है, वो टायर भाई फ्रिक्शन होता है ज्यादा, उसमें खांचे बने रहते हैं, तभी तो वो टायर रोड से चिपक के चलती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पुली और कन्वेयर बेल्ट में भी ऐसा हो कि दोनों आपस में, कन्वेयर बेल्ट का जो सरफेस है जो उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई गई है, अभी मैं दिखाऊंगा कन्वेयर बेल्ट के पार्ट्स, तो जो कोटिंग चढ़ाई गई है, जो लेयर चढ़ाई गई है, वो लेयर अगर पुली से अच्छे से चिपक गया तो भी तभी तो वो घूमेगा, अगर मान लो नहीं चिपक पा रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, तो वो पुली घूमता रहेगा, कन्वेयर बेल्ट बोलेगा हम ना घूमेंगे, समझ रहे हो बात को। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसके कारण कन्वेयर बेल्ट घूमता है, स्लिप मार जाएगा। बिल्कुल अब बात करते हैं, पुली की ही बात कर रहे हैं, तो मैं दो दो प्रकार की पुली हैं, कौन कौन सी बताया, एक तो आपका हो गया हेड पुली या मेन पुली, ठीक है, या ड्राइव पुली। तो पुली की अगर बात करें, पुली मूवी देखे हो, पुली अच्छी मूवी है, नंबर वन ड्राइव पुली, ड्राइव पुली बोल लो या फिर हेड पुली बोल लो या फिर मेन पुली बोल लो, कुछ भी बोल लो भाई साहब। अब ये जो पुली होता है, एक तो ये पुली हो गया, दूसरा आपका हो गया ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली या फिर बोल लो रिटर्न पुली, पुली या फिर बोल लो टेल पुली। कुछ बोल लो, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है के ये जो ड्राइव पुली हेड पुली है, मेन पुली जो होता है, कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मोटर, कनेक्टेड टू मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर,
दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। मैकेनिकल पावर मतलब भाई कोई ऐसी चीज जो कि मैकेनिकली ताकत देती हो इसको, ठीक है, इस पुली को। तो वो मैकेनिकली ताकत देने वाली चीज क्या है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इसको मैकेनिकल ताकत देती है, मैकेनिकल पावर देती है, ठीक है, मोटर लगा होता है। अब ये जो ड्रिवन पुली, रिटर्न पुली और टेल पुली होते हैं, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ रोटेटिंग मशीनरी, घूमने वाली मशीन के शाफ्ट में जो है तो ये कनेक्ट होता है। मोटर कौन सा मतलब समझा नहीं है, मोटर कौन सा, मोटर मतलब मोटर, देखे होगे चक्की वगैरह, देखे हो कभी आटा वटा गेहूं पिसवाने जाते होगे तो देखे होगे, वैसे ही टाइप का मोटर होता है, साइज में बड़ा होता है। जैसे ये स्नब पुली देखिए, यहाँ पे दिखाया था जब स्नब पुली, तो स्नब पुली में आ गया, दिखा रहा है मोटर, नहीं दिख रहा है, दिखाता तो दिखा देता है, मोटर का नहीं पता यार, मैं शायद हो सकता है आगे के लेक्चर्स में मिल जाए तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अभी कोई क्लास है क्या आप लोगों की, इसके बाद मेरे बाद किसकी क्लास है डायरेक्टली, के कितने बजे क्लास, मुझे बेसिकली लगातार मैं सोच रहा था आधे आधे घंटे का गैप करके क्लास ले लेता, आधे एक घंटे का। डायरेक्ट अब कितने बजे, शाम में है ना क्लास किसी की, तो है कितने बजे से शाम में, बजे, चलो ठीक है। तो मैं थोड़ा खाना खा लिया जाए, ठीक है, भूख लग रही है अब, उसके बाद मिलते हैं डेढ़ बजे, डेढ़ बजे मिलते हैं, एक घंटा थोड़ा आराम से खा लो यार, बढ़िया आलू के पराठे बने हैं, है ना, तो मैं खा के आता हूँ, आप भी जाओ फटाक से खाना पीना खा के आओ, फिर डेढ़ बजे मिलते हैं, फिर उसके बाद लगातार बैठ के अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। Good night, everyone.